एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोज एंड बटर्स कुकिंग क्लासेस। आज मैं आपको नान खटाई बनाना बता रही हूँ। ये एक स्वीट बिस्किट भी कह सकते हैं आप इसको। ये बहुत टेस्टी है, आप इसको टी के संग ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है हाफ कप घी है, हाफ कप शुगर है, ये पीसी हुई शुगर है, इसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। हाफ 1/4 हमारे पास बेसन है, 2 टेबल स्पून हमारे पास सूजी है, 1 कप मैदा है और 2 टेबल स्पून रिफाइंड है फॉर ब्रशिंग, और हमारे पास जो है कटे हुए बादाम है। पहले हम अपना कढ़ाई लेंगे, उसको हम प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम आंच पर, और माइक्रोवेव को आपने कन्वेक्शन पर 180 पर 15 मिनट्स के लिए गर्म करने के लिए रखना है। हम घी लेंगे, हाफ कप हमारा जो घी है इसमें हम शुगर डालेंगे अपनी हाफ कप। इसको हमें अच्छे से बीट करना है, जब तक करेंगे जब तक इसका टेक्सचर क्रीमी नहीं हो जाए। हमारा देखिए बिल्कुल टेक्सचर अच्छा सा हो गया है। अब इसमें हम अपनी मैदा ऐड कर देंगे, आप मैदा की जगह आटा भी यूज कर सकते हैं हेल्दी बनाने के लिए। उसके बाद हम अपने इसमें बेसन ऐड करेंगे और सूजी ऐड कर देंगे। इसको हमें एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे, ये बहुत इजीली आपका डो रेडी हो जाएगा, बहुत आराम से बनाइएगा। इसको जोर नहीं लगाना है हमें, बहुत सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा। ये हमारा देखिए डो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी नान खटाई बनाएंगे। हम अपने टेन को ग्रीस कर लेंगे पहले। एक हम माइक्रोवेव के लिए रखेंगे और एक हमें गैस के लिए चलना करना है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। इसके बाद इसको ऐसे कट का निशान लगा देंगे। और इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम प्लेस करेंगे, बिकॉज ये फूल के थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही हम अपने सारे नान खटाई को प्लेस करेंगे। ये हमारी सारी देखिए बन के रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा मिल्क से इसको ब्रश करेंगे, इससे इसका कलर बहुत सुंदर आता है। आप बटर से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने कटे हुए बादाम इस पे लगा सकते हैं, आप चाहें तो पिस्ता भी लगा सकते हैं इसके, इलायची भी स्प्रिंकल कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। ये कढ़ाई हमारी प्री हीट हो गई है, इसमें हम इसको प्लेस कर देंगे और 12 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे, 12 से 15 मिनट के लिए। माइक्रोवेव भी हमारा हो गया है,
इस पे हम 12 मिनट के लिए इसको रख देंगे। ये देखिए, ये हमारी नान खट्टा ही बनके रेडी है। ये देखिए, इसमें क्रैक्स पड़ गए हैं, इट मीन्स कि ये बन गई है। अब हम गैस की और चेक करते हैं। ये देखिए, गैस पे अभी थोड़ा सा और इस पे पकेगा, तब जाके हम इसको थोड़ा सा और 5-10 मिनट के लिए और होने देंगे। ये देखिए, हमारी ये बनके रेडी हो गई है। इसको निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। ये हमारी नान खटाई ठंडी हो गई है। ये देखिए, नीचे से भी बहुत अच्छी सिक गई है, ये बहुत क्रिस्प है। ये आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।